सारे सोनी जा फैक्ट टाइम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा से सिटी का पेज पर जांच में। आपका नाम क्या है? संदेश कोरिंसा। कहाँ से आए? कुरुक्षेत्र से। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? हम बचपन से ही हैं, जब से होश संभाला है तब से हम डेरे से जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर कैसा लगता है, माहौल कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। जब मर्जी आओ, जैसे मर्जी आओ, चाहे रात को आओ चाहे दिन में आओ, कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं है यहाँ पर जी। और महिलाओं को लेकर यहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा है, किस तरह का माहौल है? बहुत सुरक्षित रखा जाता है महिलाओं को। महिलाओं को कभी भी किसी, जैसे कि पुरुष और महिलाओं को किस तरह से व्यवस्था की जाती है, उनको मैनेज किस तरह से किया जाता है, उनका खाने का, उनका बैठने का किस तरह से? सभी चीज़ों में बहुत सहूलत है, जैसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लंगर भोजन की पूरी व्यवस्था होती है, प्रसाद मिलता है सतगुरु के, जब भी भंडारा कोई आता है बहुत अच्छी। संगत को भी, महिलाओं को भी बहुत खुशी होती है कि हम वहाँ दरबार में आए हैं, हम बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ पे जी। आपके गृहस्थ जीवन में किस तरह से डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु जी हैं उनके वचनों पे, किस तरह से उनके वचन आपके गृहस्थ जीवन में काम आ रहे हैं? जी बहुत काम आते हैं, पल पल पे काम आते हैं गुरु जी के वचन। हालांकि हमारे जैसा है कि जो ससुराल वाले हैं वो सारे जाते नहीं हैं दरबार में, तो हम अपने भाई के साथ ही आती हैं। तो जी हाँ जी, किस प्रकार की सेवाएं जो डेरा सच्चा सौदा दे रहा है समाज को? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, भलाई के काम, लड़कियों के लिए भी बहुत है, जैसे गरीब बच्चों को कपड़े देना, खाना खाने के लिए, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये काम, मिलता क्या है आपको? अच्छा लगता है, और अपने लिए भी और आगे बच्चों के लिए भी। समाज से आप क्या अपील करेंगे गुरुजी के लिए? यही कि हमेशा अच्छे नेक कामों में आगे बढ़े सभी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए? हाँ जी, जितना हो सके जल्दी से जल्दी उनको रिहा करना चाहिए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज, हम देख रहे हैं कि किस तरह जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो आज भी उसी तादाद में डेरे में आ रहे हैं और अपने गुरु जी के वचन पर चलकर उसी कार्य को लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं।